Uh, हमारे जो इकोसिस्टम है उसके मेनली दो फैक्टर्स होंगे दो कंपोनेंट्स होंगे एक होंगे हमारे बायोटिक बायोटिक की बात करें तो बायोटिक के अंदर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ओके और ए बायोटिक की बात करें तो ए बायोटिक कम्पोनेंट के अंदर हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं अब ए बायोटिक फैक्टर और इन्वामेंटल फैक्टर्स से कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे तो लाइट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटर है Soil है और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का तो ये कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं एबायोटिक फैक्टर हैं वाटर की बात करें सॉरी सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट फैक्टर है तो ये हमारा मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वामेंटल फैक्टर तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इन्वामेंटल फैक्टर का एग्जाम्पल होगा वैसे तो सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बट जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट फैक्टर है वो हो जाएगा टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर होगा ऑन लैंड वो सीजनली वेरी करता है डिक्रीज होगा जब हम इक्वेटर से मूव करेंगे टुवार्ड पोल और प्लेन्स टू माउंटेन तक मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ओके okay? तो ये हमारा मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर होगा कैसे क्योंकि ये जो फैक्टर है हमारा ये अफेक्ट करेगा एंजाइम की काइनेटिक्स को ओके? Okay? साथ साथ भी अफेक्ट करता है सेकंड टेम्परेचर के बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को वो हो जाएगा वाटर तो फर्स्ट हमारा टेम्परेचर होगा सेकेंड नंबर पे क्या जाएगा वाटर होगा ओके okay. देन हमारा और दूसरे ले सकते हैं हम यहाँ पे लाइट और सोयल का एग्जाम्पल ले सकते हैं तो यहाँ पर जो मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट फैक्टर के बारे में पूछा गया है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड टेम्परेचर क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर